ऐसा कोई प्लानिंग होगा जैसे गांधी मैदान में 14 बम फूटे थे, आपको कारगिल में हमारे 42 जवान शहीद कर दिए गए, तो ये सब मुद्दे उठेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आपको बेईमानी करनी होती है तो 3 घंटे में ईवीएम खुल के देखा जा सकता है, उसको आप 24 घंटे ईवीएम की गिनती को करते हैं बैलेट पेपर की तरह, और जहां 2-3 हजार वोटों का मार्जिन होता है वहां आप दूसरे कैंडिडेट को हरवा देते हैं। गुलाम है गुलाम, और मालिक के आगे में कभी जुबान नहीं खुलती है नौकरों की। सब हम जानना चाह रहे हैं कि पिछले साल चुनाव है आने वाले 2024 में, तो बात एक ये भी निकल कर आ रही है, हालांकि बीजेपी की तरफ से इस बात को निराधार बता दिया गया है कि जल्द ही इस देश में एक देश और एक चुनाव लागू होगा जिससे सरकारी संसाधन और सरकारी खर्चों पर कंट्रोल लगाया जा सके। इसको आप कैसे देखते हैं, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना बेहतर? सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आप जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस पेट्रोल पंप, जिस रेलवे प्लेटफार्म, जिस बस स्टैंड पे आप चले जाएंगे दिल्ली में या पूरे देश के अंदर, तो एक आपको बड़ा सा होर्डिंग सरकारी नजर आएगा, उसके ऊपर मोदी जी एक नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री नजर आएंगे या कोई नेता नजर आएगा। एक होर्डिंग को एक महीने के लिए अगर आप 20,000 रुपए सही, तो सोचिए कि देश के अंदर कितने 100 करोड़ रुपए पर डे मोदी जी जनता का व्यर्थ कर रहे हैं, इसको बंद करें। दूसरा, कोई प्रधानमंत्री को आपने इतनी सभाएं करते नहीं देखा जितना मोदी जी करते हैं। ये देश का पैसा बर्बाद हो रहा है, इसमें मोदी जी कंट्रोल करें। आपने किसी प्रधानमंत्री को नहीं देखा हो दुनिया में, किसी प्रधानमंत्री को हर महीने वो मन की बात करता हो और देश में जनता की काम की बात नहीं करता हो, तो मैं समझता हूं आपको एक देश एक चुनाव का जवाब मिल गया होगा। एक विधानसभा का चुनाव होता है अंदर 3 चरण 5 चरण 7 चरणों में चुनाव होता है, और यदि आप पूरे देश के अंदर चुनाव कराएंगे एक साथ विधानसभा और लोकसभा का, तो कहां से इतना ईवीएम लाएंगे और कैसे अरेंजमेंट करेंगे? एक विधानसभा की काउंटिंग कराने के लिए जब आपको बेईमानी करनी होती है तो 3 घंटे में ईवीएम खुल के देखा जा सकता है, उसको आप 24 घंटे ईवीएम की गिनती को करते हैं बैलेट पेपर की तरह, और जहां 2-3 हजार वोटों का मार्जिन होता है वहां आप दूसरे कैंडिडेट को हरवा देते हैं। तो जिस देश का राजा ही बेईमान हो वो देश क्या राजा ईमानदारी की बात करता हो। 2024 से पहले जो 2024 के चुनाव हैं वो दो धड़ों में बंटते दिख रहे हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन है 26 दलों का और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है, लगभग 38 दल हैं। क्या लगता है आपको कि 2024 में इंडिया गठबंधन पीएम मोदी बीजेपी और एनडीए को टक्कर देने की स्थिति में है? बड़ी जबरदस्त इंडिया गठबंधन आपको टक्कर देने की स्थिति में है, तभी तो मोदी जी ने देखा कि इंडिया नाम भारत का बदल के मतलब भारत नाम रख दिया, वो भूल गए कि भारत नाम रखने से कितने लाखों हजार करोड़ का भारत को नुकसान होगा, वो सिर्फ एक अपने स्वार्थ के लिए ऐसा किया है उन्होंने। दूसरी बात, अगर मोदी जी को भय नहीं है विपक्ष से तो विपक्षी नेताओं को जेल में ठूसने का काम क्यों कर रहे हैं? मतलब घबराहट है, डर है, और वो जान रहे हैं कि ये बाहर रहेंगे तो मेरे लिए खतरा है, इनको अंदर करो। अभी संजय सिंह को 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किया ईडी ने, संजय सिंह ने राव सवेनी कोर्ट से बाहर निकलते हुए कहा कि मोदी अडानी के नौकर हैं। आप राहुल गांधी भी लगातार अडानी पर हमला करते रहे हैं, अडानी के सहारे पीएम मोदी पर हमला करते रहे हैं, एक रूप में जो उनकी सांसदी रद्द हुई उसमें भी कांग्रेस का आरोप था कि अडानी पर सवाल उठाने की वजह से ऐसा हुआ। क्या लगता है आपको, ये सच्चाई है कि चुनावी अडानी के ऊपर सवाल उठाए राहुल गांधी ने उसकी सदस्यता चली गई, अडानी के ऊपर सवाल उठाए संजय सिंह ने उसको जेल में कर दिया गया, ये हकीकत है कि नरेंद्र मोदी अडानी का गुलाम है गुलाम, और मालिक के आगे में कभी जुबान नहीं खुलती है नौकरों की।
वो मोदी अडानी का नौकर है और नौकर को मालिक के खिलाफ बोलने में आजादी नहीं मिलती है। जातिगत जनगणना को आप कैसे देखते हैं? बढ़िया बात है, जाति जनगणना पूरे देश के अंदर होनी चाहिए। हर जाति को ये पता होना चाहिए हमारी संख्या और हम, मेरा हक क्या है, ये हर व्यक्ति को पता। लगता नहीं है कि जातिगत जनगणना होगी तो सामाजिक रूप से मतभेद बढ़ेंगे, सामाजिक खाई बढ़ेगी जाति के? ये जातिवाद किसने पैदा किया? ब्राह्मणों ने किया, तब मिर्ची क्यों लग रही है? उसी ने तो बनाया, तुम डोम हो, तुम हलखोर हो, तुम दुसाद हो, तुम मुसर हो, तुम ढांगर हो, तुम कुर्मी हो, कोयरी हो, यादव हो, उसी का देन है ना। तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, और अब जब पुराने एजेंडे तुमको तो मिर्ची लगेगी ना। हाल ही में जेपी नड्डा का बयान था कि विपक्ष की जो गठबंधन है उसमें अधिकतर दल परिवारवादी पार्टियां हैं। अरे भाजपा का आप उठा के हिस्ट्री देख लो, बहुत नेताओं ने परिवार गिना दिया है। अमित शाह के बेटे जैसा को ही देख लो, मोटी सी बात कह रहा हूँ। जितने भी नेता है भाजपा में 70% परिवार से। अगले साल राम मंदिर का उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को। आपको लगता है राम मंदिर के बिहार में सभी चुनावी मुद्दे गौण साबित हो? कोई बड़ा हमला होगा, जैसे 2019 में हुआ, जैसे 2013 में हुआ। चुनावी मुद्दे हिंदुओं के दिल में घर बनाने के लिए ऐसा कोई प्लानिंग होगा, जैसे गांधी मैदान में 14 बम फूटे थे, आपको कारगिल में हमारे 42 जवान शहीद कर दिए गए, तो ये सब मुद्दे उठेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आम जनता का आरोप रहता है कि जो जगह जगह नशे का व्यापार हो रहा है उसमें बीजेपी का अप्रत्यक्ष रूप से हाथ है। 30 टन कोकीन अडानी के सिप के ऊपर पकड़ाया गुजरात में, कोई जांच नहीं हुई। कहां गया वो कोकीन? वो देश में बिक रहा है, गांव गांव में बिक रहा है, कस्बे में बिक रहा है, तो समझ सकते हैं कि आप उस देश में उग्रवादी का, नक्सलवादी का, कोकीन का, हिंदू मुसलमान का कौन राजनीतिकरण करता है, आप बेहतर समझेंगे। आपका बात करने के लिए। ऐसा कोई प्लानिंग होगा, जैसे गांधी मैदान में 14 बम फूटे थे, आपको कारगिल में हमारे 42 जवान शहीद कर दिए गए, तो ये सब मुद्दे उठेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आपको बेईमानी करनी होती है तो 3 घंटे में ईवीएम खुल के देखा जा सकता है, उसको आप 24 घंटे ईवीएम की गिनती को करते हैं बैलेट पेपर की तरह, और जहां 2-3 हजार वोटों का मार्जिन होता है वहां आप दूसरे कैंडिडेट को हरवा देते हैं। गुलाम है गुलाम, और मालिक आगे मैं कभी जुबान नहीं खुलती है नौकरों की।